वैसे यार अगर ये सैंडविच मैं रोज खाऊं ना तो मैं तो बहुत ही पावरफुल बन जाऊंगा, ऐसे जैसे स्टील बॉडी, बहुत ही ताकतवर आ जाऊंगा क्योंकि इसमें पेवर गोश्त डला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपने बीफ स्टिक सैंडविच का नाम सुना है? भाई ये बीच तो नाम नहीं सुना है, बाकी अंडे वाला है, कीमे वाला है, बाकी ये सब चीज़ों सब्जियों वाला है ये तो हमने सुना है, लेकिन ये तो पहली मरतबा मैं सुन रहा हूँ। बीफ स्टिक सैंडविच यार, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये एक का नाम है या दर्जनों का नाम है, बीफ स्टिक सैंडविच इतने सारे नाम मिला के। इधर एक ही सैंडविच है, इसका नाम है बीफ स्टिक सैंडविच। अच्छा, तो वैसे ये होता किस चीज़ का है मतलब? सर ये काऊ का गोश्त से बनाया जाता है और इस गोश्त को ना स्पेशल तरह से पकाया जाता है स्लाइस करके, और ये फिर ये सैंडविच बनाया जाता है। घर में तो पकाते हम लोग, घर का बोटियाँ पकाते भी खाते हैं, शुरुए वाला सालन पकाते हैं, बिरयानी पकाते हैं। चेक करें, हम भी ट्राई करें बीफ स्टिक सैंडविच, इतना बड़ा नाम है तो ये सैंडविच कैसा होगा देखें हम भी। पता नहीं चल जाए, खोले तो पता चले। जबरदस्त यार, दिखने में तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। कुछ ये सैंडविच कुछ अलग ही किस्म का नजर आ रहा है मुझे तो। ये तो बिल्कुल ऐसे के कुछ और ही चीज बनी हुई दिख रही है मुझे तो। हम सैंडविच ज्यादातर बोलते हैं जैसे स्लैश डब रोटी उसका, तो ये सैंडविच कुछ अलग ही चीज का बना हुआ है। कभी नहीं देखा, ये ढेजा ने बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये मैंने देखा ही कभी मत। इसको क्रूसेंट कहा जाता है इस सैंडविच को। कहने सा एक तो नाम इतने मुश्किल है यार, आते नहीं है, क्या करें। देखने में जैसा है कोई जानवर नहीं सो जाता है ऐसा सोया हुआ, ज्यादा से कछू को मुंह नहीं होता, वो ज्यादा इस तरीके का होता है, वो छुप जाता है ना, सिर घुसा देना छुप जाता है। जबरदस्त यार, दिखने में तो बड़ा ही खूबसूरत, बीफ से तो पूरा भरा हुआ लग रहा है तो। चपली कबाब लगते हैं इसके अंदर। ये सर स्लाइस करके गोश्त इसमें पका के डाला गया। अच्छा बना हुआ है, खूबसूरत कबाब रखा हुआ है, ऐसा सजाया हुआ है, खाने में भी ऐसा मजा होगा। बहुत मजेदार, बहुत काले काले के गोल। एक तो ये सर ओलिव है। ओलिव, हाँ, ये तो दाना ये बाहर आ गया। खाने में तो मजेदार है। सिप्पी वाला सैंडविच खा के ट्राई करूं फिर बताऊं कैसा है। जबरदस्त, वाकई बहुत ही जबरदस्त, टेस्ट बहुत अच्छा है। एक तो इसके बीफ जो अंदर है उसका जायका बिल्कुल अलग ही बना हुआ है, जिस तरह पकाया है ना। मैं कबाब का जायका बोल रहा क्या, इसमें गोश्त डाला हुआ है स्लाइस करके डाला जाता है। जब भी तो गोश्त डाला हुआ है, जब भी तो जायका अच्छा होता है, क्योंकि चपली कबाब पकाते हैं ना उसमें भी सारा गोश्त ही पकाते हैं, तो ये उस तरीके का बना हुआ बहुत अच्छा है। वैसे तो मुझे ये अंग्रेजों का बीफ स्टिक सैंडविच बहुत पसंद आया, वाकई बहुत जबरदस्त। बच्चे बूढ़े सब बिल्कुल माफ हो गए, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, मसाला हल्का डला हुआ सही है। यहाँ जो शामी कबाब वाला बर्गर कबाब गोश्त मिलता है तो उसमें जो है ना मतलब चने की दाल वगैरह मिक्स होती है, मतलब प्योर गोश्त नहीं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल प्योर गोश्त। कम से कम दो बंडल चाहिए उनको पकड़े, इतना बड़ा एक ही पेट भर जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होगा। इसका गोश्त जो है ना मतलब सालन की तरह तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल अलग ही किस्म का इसका टेस्ट आ रहा है, हो सकता है उबाल की किसी तरह बनाया हो। आज मैं खा रहा हूँ, ये ताकत का खजाना है, आज इसे खाने से शायद जान बन जाए। चीज वगैरह खाते हैं इस तरह का, मतलब बहुत ही मजा आ रहा है खाने में। चटनी अदर लग रहा है, दही वही डाला हुआ है, बहुत नमकीन जैसा लग रहा है, जायका बहुत अच्छा आ रहा है चटनी का भी। अगर ये सैंडविच मैं रोज खाऊँ ना तो मैं तो बहुत ही पावरफुल बन जाऊंगा, ऐसे जैसे स्टील बॉडी,
बहुत ही ताकतवर आया हूँ क्योंकि इसमें प्योर गोश्त डाला हुआ है। उनको कहना चाहिए शाबाश है, उन्होंने ये सोच के बनाया है कि कैसी डबल रोटी बनाया है, इसमें कैसा मसाला और कीमा डाला हुआ है। वैसे यार आपके इस चैनल पे तो मैंने हजारों किस्म के बर्गर और भी चीज़ें खाएं, बर्गर मतलब खास कर खाएं, लेकिन ये बर्गर सबसे अलग है। ऐसा बर्गर तो मैंने नहीं खाया होगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बना हुआ वाकई। अरे गोजी गोजे मज़ा नहीं आएगा। आई लव बीफ एंड आई लव बीफ एंड सैंडविच, वाह मज़ा आ गया। पसंद आया आपको बीफ स्टिक सैंडविच? बहुत पसंद आया आज मुझे, बहुत पसंद आया, मज़ा भी आया और पेट भी भर गया, बातें भी किया और पेट भी भर गया। गोश्त मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल अलग तरीके का पका हुआ है, और दूसरा इसमें जो सॉस वगैरह चटनी जो भी लगाई हुई है और इसका बन, उसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त। आज का पूरा ट्राई करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।